सत्संग जी दशमेश्वर का गुरु महाराज की मुकदस बख्शी हुई गुरफतेह की सांझ पाओ सारे जाने का जो अच्छे आखो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे, अज आप दर्शन करांगे गुरुद्वारा भट्ठा साहब के। इस जगह गुरु साहब ने अपने मुबारक चरण चार बारी पाए। गुरु घर के नाल इतों के पठान नहीं खान का बजुर्गों तो ही प्यार सी। गुरु घर के श्रद्धालु सन तो गुरु साहब इतों के पठान के बच्चे की मंगनी पर भी आए थे। तो लास्ट बारी जो चमकौर साहब युद्ध हुंदा है वो गुरु साहब इतों ही चल के गए थे। तो लुधियाणा तो गुरुद्वारा भट्ठा साहब पहुँचने वास्ते आप 75 किलोमीटर का पैड़ा तय करना पैदा है। अगर दिल्ली तो आप आने हाँ तो 277 किलोमीटर है। अगर अमृतसर तो आप चलते हाँ तो 187 किलोमीटर का सफर है। तो आओ चलते हाँ आप गुरद्वारा भट्ठा साहब, दर्शन करते हाँ गुरद्वारे के, तो इतिहास तो भी जाणू होंगे। आओ दर्शन करिए गुरद्वारा श्री भट्ठा साहब। चितवा तुम दिया आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवा तुमरी अभय पद दान, सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन जोर, प्रभ नानक बंधन छोर, बंधन छोर आयो शरण दीन दुख भंजन, आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवा तुमरी ओर अभय पद दान, सिमरन स्वामी को। गुरु सवारी साध संग जी, मुकदस फतेह की सांझ पाओ सारे जन गज बज के आखो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। गुरु प्यारे, जिस तरह के आप यात्रा शुरू की हुई है गोबिंद मार्ग गुरुद्वारा दमालगढ़ तो, यह यात्रा शुरू की सी। उस तो बाद आप परिवार विछोड़े गुरुद्वारे के दर्शन किए, फिर आप अज गुरद्वारा श्री भट्ठा साहब रोपड़ विखे आए हैं। यह चंडीगढ़ रोड तो रोपड़ विखे 1 किलोमीटर की विस्थित है। इस जगह गुरु साहब चार बार मुबारक चरण पाए, इस जगह को पवित्र किया। पहली बारी गुरु साहब 1745 ईस्वी के पगानी का युद्ध जितने तो बाद इतने आए सर। गुरु साहब जब इस जगह आए तो उन्होंने शाम पै चुकी सी। उन्होंने अपन फौजों के नाल इस जगह पर रात का पड़ाव करना ठीक समझा। इस जगह भट्ठा से भट्ठे के मजदूर काम कर रहे थे। गुरु साहब ने मजदूरों को पूछा कि इतने रात ठहरने वास्ते कोई सेफ जगह है, तो मजदूर ने ज़्यादा मजाक में ही कह दिता गुरु साहब इतने का भट्ठा ही है। तो गुरु साहब ने उन्होंने गल को समझा तो उन्होंने अपने घोड़े की लगाम हिलाई तो घोड़े को भट्ठे से चढ़ाता। जिवें ही भट्ठे के घोड़े के चरण लगे तो भट्ठा एकदम ठंडा हो गया। गुरु साहब आप उस भट्ठे के उपर चौंकड़ा मार के नितनेम करना शुरू कर दिता। यह सारा कौतुक वेख के एक मजदूर ने जाके निहंखा पठान नूं यह गल दसी जिसका यह भट्ठा ही। तो निहंखा ने समझिया कि यह गुरु साहब ही हो सकते हैं। वह उस तरह ही नंगे पैरी भज्जा अते गुरु साहब नूं आके अपनी मजदूरा की कीती हुई भुल की माफ़ी मंगी अते गुरु साहब नूं बेनती करके पूरे आदर सत्कार नाल अपने किले विच लै गया अते उत्थे सेवा पाणी कीता। फौजां इत्थे टिकियां रहियां, फौजां नूं सारा रसद पाणी इत्थे पट्ठे के उपर ही पहुँचाया गया।
दूसरी बार निहंखां दे बुलाउण ते गुरु साहब इत्थे आए सन। जदों निहंखां दे बेटे की मंगनी सी तां गुरु साहब उस वेले आए तो निहंखां ने गुरु साहब की बहुत आदर मान सत्कार नाल आओ भगत की। लास्ट बार गुरु साहब ने जो आनंदपुर साहब का किला छड्या, गुरु साहब आनंदपुर साहब का किला छड्डन तो बाद परिवार विछोड़ा विखे जदों सरसा नदी नूं पार करदे हन तो उस जगह गुरु साहब का तो फौजा का तो सिखा का बहुत नुकसान होया, जिस विच कई सिख रुड़ गए तो बेशुमार खजाना इस नदी की भेट चढ़ गया। गुरु साहब सरसा नदी नूं पार करन तो बाद इस जगह ठहरे सन। इत्थे निहंखां दे घर गुरु साहब पूरी रात रहे। अद्धी रात तो बाद गुरु साहब ने रात नूं ही अपने नाल दे सिखां नूं चमकौर साहब वाल भेज दिता तो आप इत्थे रुके रहे। जदों सवेर का पौ फटाला होया तो गुरु साहब इत्थों आप फिर निकले ते उन्हां दी अगवाई जां रस्ता दसदा होया निहंकोटला दा बेटा आलम खां उन्हां नूं सारा राह दसदा गया। उसने गुरु साहब नूं मुगलां दे घेरे तो बाहर किया। किसी सूए ने जाके ये खबर भी दे दी मुगलों नूं ते पठान खां दे किले की तलाशी हुई तो सारे किले की तलाशी लैन तो बाद एक कमरा बंद सी। मुगलों ने पूछा कि इस कमरे दे विच की है, तो निहंखां ने कहा कि इस कमरे दे विच मेरी बेटी अते मेरा जवाई सुते हुए हैं, जे तुसीं आखदे हो तो मैं तुहानूं अपना यह कमरा खोल के भी दिखा सकता हाँ। तो वह सिपाही बोले कि नहीं जी माफ़ करना, सानूं तुहाडे ते तसल्ली है। तो उस कमरे में भाई विचित्र सिंह सीगा जो कि जख्मी हालत में सी, निहंखां की बेटी ममताज सी। इस तो बाद बीबी ममताज ने अपना विआह नहीं सी करवाया। उसने अपने पिता को कह दिता सी निहंखां नूं कि पिता जी वार एक बार ही हुंदा है, मैनू मेरा वार मिल गया है। तो वह भाई जो विचित्र सिंह सी काफ़ी ज़्यादा जख्मी सी, जख्मां की ताब ना झलदे हुए उन्होंने अपनी इत्थे शहीदी पा दी। इस तो बाद गुरु साहब चमकौर साहब विखे चले गए सन, जिथे कि गुरु साहब ने 1.25 लाख के नाल एक एक सिंह नूं लड़ाया। कोटा निहंखां दे पठाना ते फतवा लगाया कि वह काफर हैं क्योंकि वह शस्त्रां दी अते फोटो की पूजा करते हैं। जवाब विच निहंखां ने यह फोटो दिखा के दलील दित्ती कि जे बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं सजदा कर सकती है तो असी क्यों नहीं कर सकते, जे असी काफर हाँ तो वह बेगम भी काफर है। फलस्वरूप कोटा निहंखां नूं बरी कर दिता गया। बहुत सारे लोग इस फोटो नूं गुरु गोबिंद सिंह जी की फोटो भी दसते हैं जो कि गलत है, क्योंकि बेगम नूरजहां 1645 ईस्वी के 72 साल की हो के मर जाती है, गुरु गोबिंद सिंह का अवतार पूर्व 1666 ईस्वी का है, जाने के बेगम नूरजहां की मौत तो 21 साल बाद गुरु गोबिंद सिंह का आगमन पूर्व हुंदा है। बादशाह जहांगीर का कैंप अते गुरु हरगोबिंद साहब जी दिल्ली तो वापस अमृतसर आते हुए डेरा ब्यास के कंडे गोइंदवाल साहब के पतन से लग्या होया सी। इत्थे ही बेगम नूरजहां ने गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन किए सन। हो सकता है कि यह फोटो उस समय की होवे। निहंखां कोलो जो गुरु साहब जान लगे तो निहंखां ने गुरु महाराज को बेनती करी कि पातशाह आप जा रहे हो तो सानू कोई निशानी आप जरूर देकर जाओ। तो गुरु साहब ने भाई निहंखां अपनी निशानी दी, कृपाण दी, एक कटार दी, एक उन्होंने गहने की ढाल भी दी। यह गुरु साहब ने नाल वर भी दिता कि जिन्ने चर तुसीं इन्हां दी सेवा करोगे तो तुहाडा सितारा चमकदा रहेगा। 1947 की वंड वेले जदों यह मुसलमान परिवार निहंखां पाकिस्तान जान लग्या तो उन्होंने इत्थों के गुरुद्वारे के हैड ग्रंथी ते मैनेजर साहब नूं अपने कोल सद्या अते गुरु साहब दे दित्तियां होईयां निशानियां नूं उन्हां दे सपुरद कर दिता। इस वेले यह निशानियां गुरुद्वारा विच मौजूद हन, आप लोग भी इसके दर्शन कर सकते हो। सतसंग जी अगर आप जी नूं कितें समां मिले गुरु साहब कृपा करन इस गुरुद्वारे दर्शन आओ, गुरु साहब की चरण छो, गुरु साहब के शस्त्रां दे दर्शन करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु शरण दीन दुख भंजन चित मां तुमरी ओर अब